हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी जो मंच पे हैं और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित सभी हमारे किसान भाई, आदरणीय बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस गर्मी में जहां लगातार तापमान बढ़ता चला जा रहा है, पंडाल में जो हैं, लेकिन पंडाल भी पूरा भरा हुआ है, उसके बावजूद भी जो इतनी गर्मी में, दोपहर में और धूप में खड़े हमें दिखाई दे रहे आगे पीछे दाएं बाएं, मैं सभी साथियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। इस बार जो उन्नाव की हवा चल रही है, ये जो उन्नाव में इस बार इंडिया गठबंधन के पक्ष में हवा चल रही है, वो न केवल जीत दिलाने जा रही है, बल्कि रिकॉर्ड मतों से इस बार उन्नाव से अन्नू टंडन जी जीत के जा रही हैं। मैं पहले चरण से चुनाव में इंडिया गठबंधन के पक्ष में हम लोग अपील करते आ रहे हैं और पहले चरण से ही जो माहौल बना है उसके लिए मैं करोड़ों मतदाताओं का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का वो सफाया करेंगे। जहां भी हम लोग जा रहे हैं, बड़े पैमाने पे जन समर्थन मिल रहा है और ऐसा जन समर्थन शायद पहले लोकसभा में नहीं मिला था। और इधर हम लोग बड़ी बड़ी होर्डिंगें देख रहे हैं सड़कों पर जो लगी हैं, बीजेपी वालों ने जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई हैं, आपने देखा होगा, कहने के तो ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन उस डबल इंजन की सरकार से एक इंजन पहले से ही गायब है। जो दिल्ली वालों ने होर्डिंग लगवाई हैं, जो दिल्ली से होर्डिंग लगी हैं, डबल इंजन की सरकार बोलने वाले, एक इंजन गायब है और जो उन्नाव का खटारा इंजन था उसको जगह ही नहीं मिली है, वो पहले से ही गायब है। बताओ गायब है कि नहीं गायब है? और 10 साल में दिल्ली की सरकार में और उत्तर प्रदेश की 7 साल की सरकार में हमारा किसान सबसे ज्यादा संकट में चला गया। जिस किसान को भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, यहां पर किसान भाई मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग भी हैं, कोई बता दे कि किसी भी फसल की किसानों को आय दोगुनी मिल गई हो? ना आय दोगुनी हुई। और जब ये किसान भाई दिल्ली गए थे अपने हक के लिए, इस सरकार ने दिल्ली नहीं जाने दिया। न केवल उत्तर प्रदेश का किसान बल्कि पूरे देश का किसान दिल्ली गया था, वो अपना हक मांग रहा था, वो अपने लिए कानूनी अधिकार MSP के लिए मांग रहा था, लेकिन इस सरकार ने वहां पर RCC की दीवारें लगवा दी, सड़कों पे कील गड़वा दी, पुलिस प्रशासन से, आंसू गैस से, गोलियों से किसानों को रोकने का काम किया। किसान वहां धरने पे बैठा रहा, सालों साल बैठा रहा, किसान शहीद हो गए हजार, लेकिन किसान पीछे नहीं हटा। जब सरकार ने 3 काले कानून वापस लिए थे तब जाकर के किसान वापस हुआ था। और आज भी किसान उम्मीद लगा करके बैठा है कि उसको MSP मिल जाएगी,
पर यह सरकार एमएसपी उनको फसलों की नहीं दे रही है। हम अपने किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं, ये आपकी पुरानी मांग रही है, और तभी हमारा किसान खुशहाल होगा जब उसको हर फसल की एमएसपी मिल जाए। हम अपने किसान भाइयों को भरोसा दिलाते हैं, आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, अपने किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार दिलाने का काम हम लोग करेंगे। न केवल कानूनी अधिकार दिलाएंगे एमएसपी के लिए, बल्कि अपने किसानों के साथ जो धोखा हुआ है, आपने पढ़ा होगा अखबारों में, आपको जानकारी होगी, बीजेपी के लोगों ने बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोगों का कर्जा माफ कर दिया। जो बैंकों से कर्ज माफ हुआ है वो 16 लाख करोड़ माफ हुआ है, और जब नियम बनाया सरकार ने, तो सरकार ने ये नियम बनाया था कि जिन लोगों का बैंकों पर कर्ज 5 करोड़ से ऊपर है उनका कर्ज माफ होगा। इस कानून के और नियम बनाने से हमारे किसान जो लाखों लाख रुपए लेते हैं, कोई 1000 रुपया लेता है बैंक से कर्ज, कोई लाखों में लेता है, उनका कर्ज माफ नहीं हुआ। बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ हो गया। हम अपने किसान भाइयों को, गांव में रहने वाले लोगों को और गरीबों को कह के जा रहे हैं, आपका जो कर्ज बैंकों पर है, इंडिया गठबंधन समाजवादी सरकार बनेगी वो कर्ज माफ हो जाएगा, आपको कर्ज माफ करने का काम करेंगे। जहां इस सरकार ने किसानों को धोखा दिया, वहीं बताओ नौजवान साथियों, आपके भविष्य के साथ इस सरकार ने खिलवाड़ की है कि नहीं की है? ये नौजवान जो मेहनत कर रहा है, तैयारी करता था, अपनी परीक्षा की तैयारी करता था, कोचिंग कर रहा था, सालों साल तैयारी की, लेकिन जब वो परीक्षा दे करके घर लौटा तो वो पता लगा उसे कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया, वो निराश होके घर बैठ गया। जिन नौजवानों ने अभी पुलिस भर्ती की नौकरी के लिए परीक्षा दी होगी, इस सरकार ने कहा कि हम लाखों लाख लोगों की परीक्षा करा लेंगे, हमारा नौजवान 2 दिन परीक्षा लिखा, लेकिन जब वो घर पहुंचा तो उसे पता लगा कि पेपर पहले ही लीक हो गया था, उसे मजबूरी में सड़क पे आना पड़ा, और जब नौजवान सड़क पे आया तो इस सरकार के पास कोई रास्ता नहीं था, पेपर रद्द करना पड़ा। बताओ नौजवान साथियों, आपकी हर परीक्षा का पेपर रद्द कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? ये पेपर लीक करा। 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग लगातार चल रही हो, और अभी तक का क्या मतदान?